मैं इंदुभूषण कुमार, आज मैं आपके लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन में जो जेई इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी आई है उसके पीवाईक्यू को डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज हमारा जो वीडियो है वो 30 जनवरी 2019 के जो पेपर हुए थे उसके टेक्निकल सेक्शंस का पूरा डिस्कशन मैं इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए हमारे वीडियो में बने रहे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा कैड से, तो इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए जनरेटिंग प्लांट से है। तो आपको पता है कि जनरेटिंग प्लांट वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आजकल एग्जाम में। इस क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये जनरेटिंग स्टेशन है जो मैक्सिमम डिमांड ऑफ 25 मेगावाट, लोड फैक्टर 60% दिया हुआ है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर आपको 50% दिया हुआ है। तो कह रहे हैं उस प्लांट की कैपेसिटी कितनी होगी, मतलब एक जनरेटिंग स्टेशन है उसकी कैपेसिटी निकालनी है। आपको प्लांट कैपेसिटी फैक्टर दिया हुआ है, लोड फैक्टर दिया हुआ है और उसकी मैक्सिमम डिमांड दी हुई है। देखिए दोस्तों उसको बनाने का क्या तरीका है, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है आपको याद रखना चाहिए। लोड फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, लोड फैक्टर का फॉर्मूला होता है एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड। ये तो हम सब जानते हैं। अब देखिए लोड फैक्टर आपका कितना दिया हुआ है 60%, तो ये कितना हो गया 0.6। मैक्सिमम डिमांड कितना दिया हुआ है 25 मेगावाट, तो आप यहाँ से एवरेज लोड निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ से एवरेज लोड निकालेंगे तो वो कितना होगा आपका, एवरेज लोड हो जाएगा 25 को अगर आप 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 मेगावाट। तो ये 15 मेगावाट हमारा एवरेज लोड था, कैसे निकाला हमने, 25 मेगावाट जो मैक्सिमम डिमांड था उसको हमने लोड फैक्टर 0.6 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि लोड फैक्टर हमारा 60% है। तो एवरेज लोड मिल गया 15 मेगावाट। आगे चलते हैं, आगे हमें निकालना है प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। तो देखिए प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है एवरेज लोड डिवाइडेड बाय प्लांट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय प्लांट कैपेसिटी। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है एवरेज लोड डिवाइडेड बाय प्लांट कैपेसिटी, पर हमको निकालना क्या है प्लांट कैपेसिटी। तो प्लांट कैपेसिटी क्या हो जाएगा बताइए आप, प्लांट कैपेसिटी क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एवरेज लोड डिवाइडेड बाय प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। तो एवरेज लोड कितना है आपका, अभी निकाला था हमने 15, और ये प्लांट कैपेसिटी फैक्टर कितना है आपका, ये 50%, तो 0.5 इसको करेंगे तो ये कितना आएगा 30 मेगावाट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए 30 मेगावाट। समझ में आया आपको, दो फार्मूला यूज़ करना है आपको, लोड फैक्टर का और प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का। यूटिलाइजेशन फैक्टर पे भी क्वेश्चन आते हैं बहुत बार, डाइवर्सिटी फैक्टर पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो जनरेटिंग स्टेशंस को जितने फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इस पे आपको सवाल बनाने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एज्यूम 6 डिवाइसेस आर अरेंज्ड इन ए फुल्ली कनेक्टेड मेश टोपोलॉजी, हाउ मेनी इनपुट आउटपुट पोर्ट्स मस्ट इस डिवाइस हैव। कह रहा है कि मान लीजिए कि 6 डिवाइसों को पूरी तरह से मेश टोपोलॉजी की तरह व्यवस्थित किया गया है, तो प्रत्येक डिवाइस के लिए कितने इनपुट आउटपुट पोर्ट की आवश्यकता होगी। देखिए इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है, अगर आपको इनपुट आउटपुट पोर्ट का फॉर्मूला निकालना है तो सिंपल फॉर्मूला होता है n-1, जितनी डिवाइसें दी हुई हैं उनमें से एक घटा दीजिए उतने इनपुट आउटपुट पोर्ट लगेंगे। 6 डिवाइसेस कनेक्टेड एड घटा दीजिए कितना हो जाएगा, 5, तो आंसर हो गया भाई। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन ये है कि ए इंडक्शन टाइप सिंगल फेज एनर्जी मोटर मेजर्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इन, तो आप बताइए एनर्जी किस में मेजर करते हैं हम लोग, एनर्जी हमेशा हम लोग मेजर करते हैं किलो वाट आर में, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा इसका बी। क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये कैट का क्वेश्चन है मुझे आता नहीं है तो इसको डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग।
ये कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है, इसको भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, है ना। तो आप देखिए सबसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आगे देखिए ये फिर क्वेश्चन आ गया, ये लोड कैप लोड फैक्टर से। इस क्वेश्चन को पढ़िए आप अच्छे से। ये क्वेश्चन क्या दिया है, ये क्वेश्चन दिया है आपको, ये क्वेश्चन क्या दिया देखिए आप, क्वेश्चन दिया हुआ है कि द ईयरली लोड ड्यूरेशन कर्व ऑफ ए जनरेटिंग स्टेशन इज कंसिडर्ड एज स्ट्रेट लाइन फ्रॉम मैक्सिमम लोड ऑफ 30 मेगावाट टू मिनिमम लोड ऑफ 20 मेगावाट। कह रहा है कि एक ईयरली लोड ड्यूरेशन कर्व है जिसका मैक्सिमम और मिनिमम डिमांड का एक ग्राफ दिया हुआ है। तो कह रहा है कि आप हमें लोड फैक्टर, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर और यूटिलाइजेशन फैक्टर के बारे में बताइए, कुछ इस तरह का ग्राफ है। ये कितना था, ये है आपका 30 मेगावाट और मिनिमम कितना है 20 मेगावाट, है ना। ये लोड फैक्टर दिया हुआ है। तो कह रहा है कि बताइए ये फैक्टर्स कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, इसको बनाने का सिंपल तरीका होता है, आपको सारा फॉर्मूला पता होना चाहिए। अभी मैंने बताया था प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का फॉर्मूला, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का फॉर्मूला हमने बताया था आपको। क्या बताया था हमने, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है एवरेज लोड डिवाइडेड बाय प्लांट कैपेसिटी। तो देखिए मिनिमम और मैक्सिमम लोड का अगर आप एवरेज करेंगे तो वो क्या होगा, आपका एवरेज लोड होगा। तो मिनिमम लोड था हमारा 20, मैक्सिमम था 30, तो दोनों का एवरेज करेंगे तो 30 + 20/2 ये कितना हो जाएगा, 15। तो एवरेज लोड डिवाइडेड बाय प्लांट कैपेसिटी, और प्लांट कैपेसिटी कितना दिया हुआ है हमारा 35। तो अगर आप 15 को 35 से डिवाइड करेंगे तो आप बताइए कितना आंसर होगा। अगर आप 15 को 35 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 0.714। तो ये हो जाएगा आपका 0.714। अब देखिए ये तो हो गया प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। अगला है हमारा यूटिलाइजेशन फैक्टर। देखिए यूटिलाइजेशन फैक्टर का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम लोड डिवाइडेड बाय प्लांट कैपेसिटी। मैक्सिमम लोड कितना दिया हुआ है आपका, मैक्सिमम लोड दिया हुआ है आपको 30 मेगावाट, और प्लांट कैपेसिटी कितना दिया हुआ है 35। इसको निकालेंगे तो ये कितना आएगा, ये अराउंड आएगा आपको 0.85 के। तो देखिए दो पॉइंट मिल गए, 0.714 और 0.857, और ये दो में है तो आपको लोड फैक्टर भी निकालना पड़ेगा। अब देखिए लोड फैक्टर को निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, लोड फैक्टर को निकालने का फॉर्मूला होता है आपका एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड, है ना। तो आप देखिए एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड होता है, तो ये एवरेज लोड कितना निकाला आपने, एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड, है ना। तो एवरेज लोड कितना हो गया आपका 30 + 20/2, मतलब मैक्सिमम लोड है 30, मिनिमम लोड है 20, तो एवरेज लोड कितना हो गया 25 को अगर आप मैक्सिमम डिमांड से डिवाइड कर देंगे तो लोड फैक्टर मिल जाएगा, एवरेज लोड हो गया 25 डिवाइडेड बाय मैक्सिमम लोड, ये कितना हो जाएगा 0.833, आंसर हो गया 3। क्या समझा आपने, आपसे तीन फैक्टर पूछे गए हैं। पहला फैक्टर पूछा गया है आपसे, पहला फैक्टर क्या पूछा गया है आपसे, पहला फैक्टर पूछा गया आपसे प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर और लोड फैक्टर। तो लोड फैक्टर का फॉर्मूला होता है एवरेज लोड बाय मैक्सिमम डिमांड, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है क्या होता है बताया, एवरेज लोड डिवाइडेड बाय प्लांट कैपेसिटी, यूटिलाइजेशन फैक्टर का होता है मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय प्लांट कैपेसिटी, इसे बना सकते हैं आप। चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन है कि ये अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि हाई मॉइस्चर कंटेंट इन ऑयल यूज्ड ट्रांसफार्मर। कह रहा है अगर एक ट्रांसफार्मर ऑयल में हाई मॉइस्चर कंटेंट अगर ऑयल होगा, अगर ऑयल में मॉइस्चर की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगा। देखिए अगर अगर ऑयल में मॉइस्चर की मात्रा ज़्यादा होगी तो रेगुलेशन को तो इम्प्रूव नहीं कर सकता है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गए। अगला देखिए, कह रहा है कि ट्रांसफार्मर कोर को रस्ट कर देगा, रस्टिंग में भी ये पॉसिबिलिटी, रिड्यूस द इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द ऑयल एंड लीड टू द फ्लैश ओवर, रिड्यूस द इंटेंसिटी। तो आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि
ऑयल होने से क्या होगा, इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ये मोस्ट कॉन्वीनियंट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है कि द कॉस्ट ऑफ जनरेशन ऑफ पावर इज लोएस्ट व्हेन डाइवर्सिटी फैक्टर। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, कह रहा है कि डाइवर्सिटी फैक्टर कितना होना चाहिए जब आपका कॉस्ट ऑफ जनरेशन क्या होना चाहिए, लोएस्ट होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। देखिए आपको पता है कि डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, और जब डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो कॉस्ट ऑफ जनरेशन क्या होगा, कम होगा, है ना। तो डाइवर्सिटी फैक्टर का आंसर क्या हो जाएगा इसका, हाईएस्ट। अगला क्वेश्चन है कि गैल्वेनोमीटर को अगर आप आमीटर में बदलना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। दोस्तों गैल्वेनोमीटर से हम लोग बहुत प्रिसाइजली और बड़े छोटे स्केल पे करंट करते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा हायर रेटिंग पे करंट को मेजर करना हो तो आपको उसको आमीटर में कन्वर्ट करना होता है। तो अगर आप गैल्वेनोमीटर को आमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको देखिए, अगर इस तरह गैल्वेनोमीटर है, अगर ये गैल्वेनोमीटर है, तो अगर इसको आप आमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको एक संट रेसिस्टेंस लगाना पड़ेगा, और जिसकी वैल्यू क्या होगी, लो होगी। आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। लेकिन अगर आप, अगर आपसे कोई पूछे कि गैल्वेनोमीटर को अगर आप वोल्ट मीटर में बदलना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, तो वोल्ट मीटर में बदलने के लिए आपको हमेशा एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइए, क्या हम आमीटर को गैल्वेनोमीटर में चेंज कर सकते हैं, अगर नहीं तो क्यों नहीं, अगर हाँ तो क्यों। चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक फ्लैम प्रूफ डिजाइन ऑफ ए मोटर इज फोर, मतलब कह रहा है कि एक फ्लैम प्रूफ मोटर को क्यों डिजाइन किया जाए। फ्लैम का मतलब होता है जो आग, आग में भी वो, मतलब जब आपकी फ्लैम मतलब क्या होता है, ज्वलनशील, जो अज्वलनशील हो, है ना। तो कह रहा है कि फ्लैम प्रूफ मोटर को डिजाइन करने के पीछे पर्पस क्या है, एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर, मॉइस्चर, डस्ट फ्री। देखिए फ्लैम प्रूफ का मतलब ये होता है कि एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर में ये वर्क करे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ओनली वन सी, कौन सा हो जाएगा, एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक इन्होंने आरसी लो पास फिल्टर के बारे में पूछा है, कह रहा है इसके आप ट्रांसफर फंक्शन बनाइए। अगर इस क्वेश्चन का आपको कुछ भी नहीं पता है तो सिंपल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आरएल की बात करी गई है तो सी वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, तो आप इसको तो हटा दीजिए। ऑप्शन बच गया ए और डी, और देखिए हमेशा एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, जे ओमेगा एल होता है, तो ओमेगा के साथ हमेशा एल लगेगा, लेकिन पहले में ओमेगा के साथ आ रहा है तो ये ऑप्शन भी हटा दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए ये तो हो गया ट्रिकी अप्रोच, लेकिन अगर आप इसको, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे नियम से तो क्या होगा, एक आरएल लो पास फिल्टर की बात कर रहा है, तो आप देखिए क्या करते हैं इसमें, आपने एक रेजिस्टेंस लिया और आपने एक इंडक्टर लिया और ये आपने एक सर्किट बना दिया, तो ये आपका वी इनपुट है और ये आपका वी आउटपुट है। ट्रांसफर फंक्शन निकाल लेंगे, आंसर आपका डी आएगा। चलिए फॉर्म फैक्टर के बारे में पूछा गया है कि फॉर्म फैक्टर प्योर सिनुसॉइडल वेव का कितना होता है, ये 1.1 होता है, तो आप हमें कमेंट में बताइए कि फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि द एफिशिएंसी ऑफ कोल फायर थर्मल पावर प्लांट्स मे बी इम्प्रूव्ड, कह रहा है कि एक थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, लोड को घटा के बढ़ा सकते हैं या ज़्यादा कोयला जला के एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, वाटर की क्वांटिटी बढ़ा के कर सकते हैं या प्रेशर ऑफ द स्टीम बढ़ा के कर सकते हैं। देखिए दोस्तों अगर आप लोड को कम या ज़्यादा करेंगे तो प्लांट की इफिशियंसी पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट प्लांट की जनरेशन में ज़रूर फर्क पड़ेगा। उसी तरह कोल के अमाउंट पे भी है, जनरेशन को इम्पैक्ट करता है, क्वांटिटी ऑफ वाटर से हमें स्टीम का फर्क पड़ता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें इफिशियंसी की बात कही गई है तो आपको मैंने बताया था कि कंडेंसर एक ऐसा पार्ट होता है हमारे थर्मल पावर प्लांट में जो हमारी इफिशियंसी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है।
तो उसकी टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा रहनी चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ द स्टीम। ये क्योंकि एक कंस्टिट्यूशन भी आपके सिलेबस में है तो उसके सवाल भी हैं, तो उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। दोस्तों आपने ये देखा कि ये सारे सवाल जो हैं वो मिक्स्ड हैं, मेजरमेंट के भी सवाल हैं, आगे मशीन्स भी देखेंगे हम लोग, कैट के भी सवाल हैं, कंस्टिट्यूशन के भी सवाल हैं, कम्युनिकेशन के भी सवाल है, तो आपको कोई भी जो टॉपिक है वो छोड़ना नहीं है। और इस पूरे सवाल के लिए मैं जो हमने जिस प्लेटफॉर्म का यूज़ किया www.erforum.net का भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैंने क्वेश्चन वहीं से डाउनलोड किया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्टिव एलिमेंट्स। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हम लोग यूज करते हैं। एक्टिव एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है और पैसिव एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, पहले तो आप पैसिव के बारे में जान लीजिए। जितने भी आर एल और सी, ये होता है पैसिव एलिमेंट, है ना, आर एल और सी। और जैसे आपका ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड हो गया, एम्पलीफायर हो गया, ये सब क्या है, एक्टिव एलिमेंट्स होता है। मतलब जहाँ पे आप एनर्जी की बात करते हैं ना, जहाँ पे आप एम्पलीफिकेशन की बात करते हैं, वो हमारा होता है एक्टिव एलिमेंट, है ना। तो उस लिहाज से अगर देखेंगे आप तो एक्टिव एलिमेंट कौन सा है, वोल्टेज सोर्स एंड जनरेटर, इंडक्टर कैपेसिटर पैसिव एलिमेंट है, ट्रांसफार्मर इज ऑल्सो ए पैसिव एलिमेंट। ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हमने पैसिव एलिमेंट क्यों बोला, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्यों बोला है, बताइए आप, क्योंकि इसका इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, आइडियल केस में क्या होता है। ये फिर कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है, ये हमारे काम का नहीं है। 68 पे आएंगे हम लोग। देखिए 68 नंबर क्वेश्चन एक बेसिक क्वेश्चन है कि एक 100 वाट जिसकी रेटेड वोल्टेज 330 वोल्ट है को सीरीज में सीरीज में कनेक्ट किया गया है एक 330 वोल्ट 100 वोल्ट के साथ, है ना। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 100 वाट 330 वोल्ट लैंप इज कनेक्टेड टू ए 330 वोल्ट सप्लाई, ए 100 वाट 110 लैंप इज सप्लाइड विद 110 वोल्ट। तो कह रहा है कि रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, मतलब आपको पावर रेटिंग दी हुई है 100 मेगावाट और 330 वोल्ट, और फिर आपको दिया हुआ है 100 वाट और 110 वोल्ट, तो आपको निकालना है रेजिस्टेंस R1 बाय R2। तो अब दोस्तों आपको पता है फार्मूला क्या होता है, P = V² / R। इस फार्मूले को यूज़ करेंगे आप, तो अगर हम पहले की बात करें, R1 अगर निकालना चाहे पहले लैंप की, तो कितना हो जाएगा, V² कितना है 330 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 100। सिमिलरली आप R2 निकालेंगे, डिवाइड करेंगे, आंसर 9 आ जाएगा। चलिए मटेरियल का क्वेश्चन है कि इंसुलेटिंग मटेरियल यूज्ड टू प्रोटेक्ट ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द मैक्सिमम परमिसेबल टेम्परेचर रेंज ऑफ द मोटर। कह रहा है कि इनमें से किस क्लास ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए हमें हाईएस्ट टेम्परेचर मिलेगा, तो आपको पता होना चाहिए ये जो आपका सी क्लास होता है ना, सी, उसमें हमें हाईएस्ट टेम्परेचर मिलता है, लोएस्ट मिलता है वाई में लोएस्ट किस में मिलेगा आपको, वाई में हाईएस्ट ऑपरेटिंग टेम्परेचर सी में। देखिए वाई होता है, फिर ए होता है, फिर बी होता है, फिर ई होता है, इस तरह से पूरा टेम्परेचर रेंज होता है, ये आपको जानना चाहिए। तो आंसर क्या हो गया इसका, आंसर हो गया सी, बी नंबर आंसर। 70 पे आइए आप। कह रहे स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर फ्लक्स कैन बी वेरीड। अब कह रहा है कि डीसी शंट मोटर के स्पीड को आपको कंट्रोल करना है। देखिए यूजुअली तो डीसी शंट मोटर के स्पीड में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आता है, लेकिन अगर फिर भी आप उसके फ्लक्स को वेरी करेंगे तो स्पीड में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। तो कह रहा है कि फ्लक्स को आप वेरी कैसे कर सकते हैं, तो अगर डीसी शंट मोटर बनाए आप, यहाँ पे एक ये मोटर है, इसके साथ आपने शंट में
एक रेजिस्टेंस लगा दिया, और ये सप्लाई है आपका, ये आपका सप्लाई। अब देखिए, अगर कढ़ाई की कनेक्टिंग ए वेरिएबल रेजिस्टेंस इन पैरेलल टू द शंट फील्ड वाइंडिंग, अगर पैरेलल में बनाएंगे तो करंट डिवाइड होगा, फ्लक्स पे तो कोई चेंज होगा नहीं, क्योंकि यही आपका फील्ड फ्लक्स है। वेरिएबल रेजिस्टेंस इन सीरीज विद आर्मेचर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम फील्ड की बात कर रहे हैं, तो आंसर सी हो जाए, क्योंकि कनेक्टिंग ए वेरिएबल रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द शंट फील्ड वाइंडिंग, अगर आप इसके साथ एक रेजिस्टेंस वेरी करेंगे तो फील्ड, तो जो आपका फील्ड फ्लक्स है वो चेंज होगा, और जब फील्ड फ्लक्स चेंज होगा तो आपके मोटर की स्पीड चेंज हो जाएगी। फिर देखिए, एक्टिव पैसिव से बात आ गई, आपको मैंने बताया था पैसिव आरएलसी, आरएलसी और ट्रांसफार्मर है ना, ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड हो गया, एफईटी हो गया, ये सब एक्टिव एलिमेंट है। 72 की बात करेंगे हम लोग कि फोर आर्क एक्सटेंशन इन सर्किट ब्रेकर द रेजिस्टेंस ऑफ आर्क कैन बी इंक्रीज्ड बाय, कह रहा है कि आप एक जो है सर्किट ब्रेकर में अगर आप आर्क को ख़त्म करना चाहते हैं, एक्सटेंशन का मतलब होता है ख़त्म करना, तो उस आर्क रेजिस्टेंस को आप कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि आर्क रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू कम होगी, मतलब ओवरऑल आर्क आपके सिस्टम से डिस्टिंग्विश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आर्क की लेंथ को कम करके या क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ आर्क को बढ़ा के स्प्लिटिंग करके या हीटिंग करके, देखिए अगर आप आर्क को नंबर ऑफ सेक्शंस में बांट देंगे ना, तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, बढ़ जाएगी और आपका आर्क जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, सी। 73 पे आते हैं हम लोग, ये जीएस का क्वेश्चन, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। 74 पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन कह रहा है कि द मिनिमम फॉरवर्ड करेंट डेट फ्लो थ्रू ए सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर टू कीप इट फॉरवर्ड कंडक्शन मोड एट द टाइम ऑफ ट्रिगरिंग, जब कह रहा है ट्रिगरिंग के समय मिनिमम कितना करंट होना चाहिए जिससे हमारा एससीआर ट्रिगर हो जाए, तो वो होता है लैचिंग करंट। और आपको पता है कि होल्डिंग करंट क्या होता है, होल्डिंग करंट वो करंट होता है, इट इज दैट मिनिमम करंट, मैक्सिमम करंट जहाँ के बाद आपकी जो एससीआर है वो ऑफ स्टेट पर चली जाती है ना, तो ऑन स्टेट के साथ हमेशा लैचिंग, ऑफ स्टेट के साथ हमेशा होल्डिंग करंट। ये कह रहा है कि अगर रिसीविंग इंड वोल्टेज जो है ज़्यादा हो जाए सेंडिंग इन वोल्टेज से ड्यूरिंग लाइटली लोडेड कंडीशन इन ट्रांसमिशन लाइन, ये तो सबको पता है ये क्या होता है, फेरांटी इफेक्ट। तो आपको ये सवाल करके बताना है कि फेरांटी इफेक्ट को हम लोग रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। 76 को देखिए आप, 76 नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ ऑपरेटिंग वोल्टेज इन हाई टेंशन केबल, ये एसटी केबल की बात की है। देखिए बहुत तरह के केबल्स होते हैं, एसटी केबल होते हैं, एक्स्ट्रा एसटी केबल होते हैं, 5-6 तरह के अंडरग्राउंड केबल होते हैं, लेकिन एसटी केबल की बात करेंगे तो इसका ऑपरेटिंग रेंज होता है 1 से 11 kV। तो दोस्तों हमने क्या करा, अभी हमने आपके 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया, रेस्ट 25 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, तो शायद आपको, और इसकी पूरी टेबल पढ़ लेंगे आप, है ना, ट्रांसमिशन लाइन वाली। तो अब तक आपने क्या समझ में आया आपको कि क्वेश्चंस हर सेक्शन से आ रहे हैं, चाहे वो कैड हो, कम्युनिकेशन हो, ट्रांसमिशन लाइन हो, अभी तक मशीन नहीं दिखा, आगे मिल सकता है। उसके बाद नेटवर्क के भी क्वेश्चंस हैं, तो आपको हर सेक्शन अच्छे से करना है। और मैं तो कहूँगा कि अगर आपको पढ़ना है तो आप यूथ पब्लिकेशन की जो बुक है उसको अच्छे से बना जाइए, ये बहुत काम आएगा आपको। यूथ पब्लिकेशन की जेई की क्वेश्चन बैंक आते हैं, उसको अच्छे से बनाइए। आप किसी के बहकावे में मत आइए, आजकल लोग आपको बहका के, फुसला के, बहला के, नई नई ख्वाबें दिखा के, सपने बेच के आपकी ज़िंदगी के साथ खेल रहा है। दोस्तों आपको यही समझनी पड़ेगी कि मुट्ठी भर सीट के लिए लाखों लोगों ने अपनी दौड़ लगानी स्टार्ट कर दी है। अगर आप बिहार की बात करें तो बिहार की पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेट 10 करोड़ के आसपास है, और यहाँ पे जूनियर इंजीनियरिंग में बस 40 वैकेंसी आई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 10 के 10 करोड़ लोग ट्राई कर रहे हैं, कम से कम 10 लाख लोग तो होंगे जिन्होंने डिप्लोमा पूरा किया होगा अब तक। अरे चलो 10 लाख हटाओ, अगर आपके 1 लाख लोग भी होंगे तो 1 लाख में 40 सीटें। अगर आप पूरे साल की बात करें तो जूनियर इंजीनियर की कितनी सीटें आती हैं, एसएससी जेई में मुश्किल से 100 सीटें आती हैं। आप
स्टेट एग्जामिशंस की बात कर लें, अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो मोटा मोटी 1000 सीटें आती हैं। रेलवे में की बात कर ले तो आपको टोटल 1200-1300 सीटें आती हैं, अगर आप बोर्ड वाइज करेंगे तो 100-150 सीटें आती है। तो आप देखिए कि फिर कुछ मेट्रो रेलवेज की वैकेंसी आती हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स में वैकेंसीज तो अब आने भी कम हो गए हैं। तो अगर आप टोटल वैकेंसी को देखें, चाहे वो रेलवे हो या फिर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन हो या स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो या दूसरे गवर्नमेंट प्रीमाइसिस में जो जेई की वैकेंसी आती है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए खासकर, तो ये 2-3 हज़ार से ज़्यादा नहीं है। और हर साल अगर हम बिहार की सिर्फ बात करें तो यहाँ पे लगभग 40 से 45 पॉलिटेक्निक के कॉलेज हैं और दूसरे स्टेट्स में भी हैं। तो बताइए कि इतने सारे कॉलेजेस हैं, इतने सारे एस्पिरेंट्स हैं, इतने सारे ख्वाबें हैं, इतने सारे सपने हैं और सीट बहुत कम है। तो मैं आपसे बस ये कहूँगा, अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, हिम्मत है, तो आप इसकी मेहनत करके तैयारी कीजिए। अगर आपके अंदर पोटेंशियल नहीं है तो आप झूठ मूठ का ख्वाब मत पालिए, है ना। ख्वाब पालने से ज़िंदगी के ख्वाब कभी पूरे नहीं हो सकते हैं। देखिए, रुकना ज़िंदगी का काम नहीं है, मैं मानता हूँ, पर ख्वाब पाल के ख्वाबों के पीछे ना भागना भी ज़िंदगी को रोकने के बराबर ही है। तो चलिए, शायद मेरी बातें आपको कुछ अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।